बार फिर से लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में। और ये भी हमने वहाँ पे जानने का कोशिश किया था कि जब हमारा कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है, या कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, या कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, या कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ये सारी बातें हम जान चुके थे। हमने वहां पे और एक चीज भी सीखा था ट्रिपल पॉइंट के बारे में। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होती है जहां पे हमको एक साथ एक ही पॉइंट पर सेम टाइम पे सॉलिड लिक्विड और गैस दिखाई देता है। और ये लगभग हमने वैल्यू कैलकुलेटर लाया था जो लमसम 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर था, मतलब 0.01 आपका टेम्परेचर था और प्रेशर था आपका 0.006 एटीएम प्रेशर, यानी कि लगभग 0 के बराबर। और वो पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक पे बात करेंगे जिनका नाम है हमारा मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली जो हीट ट्रांसफर होती है वो तीन प्रकार से होती है, और ये तीन जो प्रकार होती है, जो मेथड होती है, उनका नाम यहाँ पे हमने लिख दिया। आप देखिएगा, पहला मेथड जिसको हम कंडक्शन के नाम से जानते हैं, दूसरा को कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं, और तीसरा रेडिएशन के नाम से जानते हैं। इस तीन मेथड से हम हीट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड की, जिसका नाम है हमारा कंडक्शन। तो कंडक्शन को कुछ हम इजी तरीका से समझें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या होती है कंडक्शन। पहले आप इसका डेफिनेशन देखिएगा। कंडक्शन, केवल अभी हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन की बात नहीं करेंगे। तो कंडक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए मटेरियल बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन। जब हीट हमारा किसी मटेरियल बॉडी की एक पार्ट से दूसरी बॉडी में चला जाता है, इसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात कि जब आप किसी हीट में कोई मटेरियल, जैसे कि मान के चलिए रड को रख देते हैं, तो कुछ देर बाद में वो हीट आपका दूसरी छोर पे भी पहुंच जाता है, इसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। चलिए इसको हम लोग डीपली समझने का कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये कंडक्शन किस तरह से वर्क करती है उसको। सपोज दैट कि आपके पास में एक आइसोलेटेड कंटेनर है, इस तरह से आइसोलेटेड कंटेनर है, आपने इसमें वाटर को फिल कर दिया, इस तरह से वाटर को क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद में एक हम और बॉक्स लेते हैं, समझिएगा एक और कंटेनर लेते हैं, ये भी ये कंटेनर भी आपका क्या है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आपका बाहर का टेम्परेचर प्रेशर अंदर ना जा पाए, और अंदर का आपका जितना भी प्रेशर टेम्परेचर है वो बाहर ना आ पाए, इसको हम लोग आइसोलेटेड बॉडी कहते हैं। तो ये दोनों आपका आइसोलेटेड बॉडी है। अब इसमें हमने वाटर को रखा, अब इसके अंदर में हम रख देते हैं आइस को, ये आपका आइस है, आइस यानी कि जिसको हम बर्फ कहते हैं। ये इसमें हम अब क्या करते हैं, छेद करते हैं और कोई मेटल, मेटल का रड लेते हैं और इस मेटल का रड को इसके अंदर पे इन करा देते हैं, इस तरह से, इस तरह से हम यहाँ पे केवल छेद है जहां पे हम लोग मेटल को इन कराएंगे, यहाँ पे आपका छेद है, ये मेटल इस तरह से हम इसको जोड़ दिए। यहाँ पे आपका आइस रखा हुआ है, ये आइस है, ये आइस। अब क्या करते हैं कि यहां से हम हीट देना शुरू करते हैं, यहां से हीट, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे तब ये जो वाटर है, ये वाटर है,
हीट होना शुरू होगी और एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जो ये वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपका वाटर वेपर ऊपर की भाग, वाटर वेपर। हम ये भी जान चुके हैं कि वाटर वेपर पे आपका लैटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। अब इस कंडीशन पे क्या हुआ कि यहाँ पे पानी जब बॉइल हुआ तो ये समझिए कि यहाँ का टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। इस मेटल मटेरियल का एक टर्मिनल इस पे इन करके इसको सील कर दिया गया है और एक टर्मिनल इधर बर्फ वाला कंटेनर पे घुसा के बंद कर दिया गया है, यानी कि आइसोलेटेड कर दिया गया है। अब जब यहां से वेपर बनी तो वेपर का टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस और यहां बर्फ है तो यहां का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस। जब आप क्या देखेंगे थोड़ी देरी बाद में कि यह बर्फ यहां से पिघलना शुरू हो जाएगा, बर्फ क्या हो जाएगा यहां से पिघलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर यह क्या शो किया कि यहां का हीट इस रड के माध्यम से इस कंटेनर पर ट्रांसफर होने लगी और यहां पे जो रड के कांटेक्ट में जो बर्फ है वो हीट को अब्जॉर्ब करने लगी और हीट को अब्जॉर्ब करके बर्फ आपका लिक्विड में चेंज होने लगी। तो जहां से ये हमारा हीट इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर ट्रांसफर हो रही है इसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन कहा जाता है। बात समझ में आ गई हो, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका बर्फ लिक्विफाइड हो जाएगा, पिघल के खत्म हो जाएगा, तब भी आपका हीट ट्रांसफर होना बंद नहीं होती। जब ये पूरा बर्फ पिघल के लिक्विड हो जाए तब ये लिक्विड को हीट करना शुरू करेगी जब तक आप यहां से हीट देते रहेंगे। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफर होती है किसी मटेरियल बॉडी पे वन पार्ट टू अनदर आपका कंडक्शन कहलाती है। फिजिक्स की भाषा पे यहां पे आप समझिएगा कि केवल यहां पे कैसे ट्रांसफर हो रही है, केवल हीट ट्रांसफर हो रही है, यहां पे इसके अंदर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, केवल क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, हीट ट्रांसफर हो रहे हैं। चलिए किस तरह से हीट ट्रांसफर हो रही है उसका मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं कि ये अगर मटेरियल बॉडी है तो इस मटेरियल बॉडी पे आपका मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर पे इस तरह से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब जब इसको हीट मिला तो इस मटेरियल का ये मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे ज्यादा क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। अगर हम इस मटेरियल बॉडी को क्या कर दें, आइसोलेटेड कर दें या ना भी करें तो वो क्या होती है आपका, हम जान चुके हैं सॉलिड में दो प्रकार की फोर्स लगती है, एक आपका इंटर एटॉमिक फोर्स और उसका सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स। इसकी वजह से ये ऊपर वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे और वो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे तो यहां से जो हीट इनको मिला है वो हीट को ये मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे, फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स तीसरे मॉलिक्यूल्स को, इस तरह से हीट को एक मॉलिक्यूल्स दूसरे को तीसरे को ट्रांसफर करते करते ये हीट आपका इस टर्मिनल तक पहुंच जाएगी। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटल के तरह देखना चाहते हैं तो यहां पे अगर आप एक थर्मामीटर लगा दीजिए इस तरह से तो यहां का हीट आपको दूसरा दिखाई देगा, यहां पे अगर थर्मामीटर लगा दें तो यहां हीट का रीडिंग दूसरा आएगा, यहां पर भी थर्मामीटर लगा दें तो यहां का हीट का रीडिंग आपका दूसरा आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये पहले वाला मॉलिक्यूल्स हीट को ऑब्जर्व कर रहा है तो उस हीट को रिलीज करने के लिए इनके पास में जगह नहीं है, वो वाइब्रेट नहीं कर पा रही है तो वो हीट को अगले मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर करते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये इसकी दूरी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इसका हीट भी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, लेकिन हीट तो ट्रांसफर होगी। एक जानकारी की बात कि यहां पे आपका मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं हो रही है, केवल आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यानी कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये बात को याद रखेंगे।
इसको इजी वे में समझने के लिए हम कुछ ऐसी बात यहां पे समझते हैं। मान के चलिए कि यहां का हीट आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब यहां का हीट इतना बड़ा आपका 100 डिग्री सेल्सियस है और यहां का हीट आपका 0 डिग्री सेल्सियस था। कितना का फर्क हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस का फर्क हुआ। मतलब कि अगर हम इसको एक ग्रेडियंट बना दें तो देखिए ये ग्रेडियंट इस तरह से बन जाएगा, मतलब ये 100 डिग्री और इधर क्या हो गया 0 डिग्री। अगर हम पानी की भी बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर को जितना ढलान पे आप ढालेंगे वो उतना ज्यादा जल्दी क्या करेगा, नीचे की ओर बह जाएगा। तो अगर उसके साथ में अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो यहां पे जितना ज्यादा हीट रहेगा और इधर जितना ज्यादा हीट कम रहेगा उतना ज्यादा तेजी से ये हीट इधर ट्रांसफर होगी। ये कहानी यहां पे बनती है। इस तरह से हमको यहां पे एक स्लोप मिल जाता है। इस स्लोप को हम ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे ये पॉइंट। अब हीट को बहने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात है कि आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होना आवश्यक है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ तो आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगी। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि अगर इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस और इधर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस तो इस केस पे आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो हीट को ट्रांसफर करने के लिए दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस होना कंपलसरी है, तभी आपका हीट ट्रांसफर हो सकती है, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ये बात भी आप समझ में आया होगा आप लोगों को। हमने दूसरी चीज क्या कहा था कि यहां का जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स यहां पे ट्रांसफर नहीं हो रही है, केवल आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ओनली हीट, यानी कि हीट को आप एनर्जी मान सकते हैं, ओनली हीट यानी कि एनर्जी मूविंग बट मॉलिक्यूल्स आर नॉट मूविंग। ये बात समझ में आती होगी, केवल यहां पे हीट मूव कर रहा है यानी कि एनर्जी मूव कर रहा है। यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स यहां से मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि आप 20 का लाइन लगा लीजिए और कोई पदार्थ को उस लाइन के पीछे की ओर भेजना है तो क्या कर सकते हैं आप कि फर्स्ट वाला उस पदार्थ को दूसरा वाला को देगा, तीसरा वाला को देगा, चौथा वाला को देगा, इस तरह से करते करते वो पदार्थ आपके स्थान से लास्ट तक पहुंच जाएगा, लेकिन आप जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़ा है। यही कहानी यहां पे बनी कि मॉलिक्यूल्स जहां पे हैं वहीं पे हैं, लेकिन केवल क्या ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। यहां पे मॉलिक्यूल्स केवल हीट को ट्रांसफर करने का मीडियम बना। ये बात भी आप याद रखेंगे कि ओनली एनर्जी मूविंग बट मॉलिक्यूल्स आर नॉट मूविंग, लेकिन यहां पे मॉलिक्यूल्स मूविंग नहीं करती है। तो ये बात भी समझ में आता है। अब थोड़ी सी और बात हम यहां पे सीख लेते हैं कि अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम फिजिक्स की भाषा में इसको कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हीट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बातें हम पीछे सीख चुके हैं। ये क्या है आपका क्यू। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि पर सेकेंड पे जितनी हमारा हीट फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोलेंगे। बात समझ में आई होगी कि एक सेकेंड पे बहने वाला हीट
जैसे कि लिक्विड के लिए हम लोग बात करेंगे, एक सेकंड में बहने वाला लिक्विड या वाटर, उसका फ्लो ऑफ रेट कहलाएगा। उसी तरह से हीट का फ्लो ऑफ रेट क्या कहलाएगी, फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि समय के साथ में आपका हीट ज्यादा भी फ्लो हो सकता है और कम भी फ्लो हो सकता है। इसीलिए यहां पे हमने क्या लिखा, फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये बात आप याद रखेंगे, इस तरह से फिजिक्स में एक रिलेशन मिल जाती है। अब आगे बात करें कि जब हम हीट को किसी बॉडी से एक जगह से दूसरे जगह यानी कि कंडक्शन से हम ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें कौन ऐसा फैक्टर आता है जो इसको इफेक्ट डालता है कि इसका बढ़ाने पर आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बढ़ेगी, किसको लगाने पर घटेगी, ये सारी बातें हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए समझिएगा कि किस तरह से ये हो सकता है। देखिए, पहला फैक्टर तो आपका ये हो सकता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आप सीख चुके हैं डी क्यू बाई डी टी है। अगर मान के चलिए किसी पाइप की हम एग्जांपल लेते हैं, जो पानी बहता है उसका एग्जांपल लेते हैं, तो आप देखे होंगे कि पाइप का ये वाला भाग जितना मोटा होगा उसमें उतना ज्यादा क्या होगा, आपका पानी फ्लो होगा। पाइप का ये भाग जितना पतला होगा उससे आपका उतना ही कम पानी क्या होगा, बाहर की ओर बहेगा। तो यहां भी हीट में भी यही घटनाएं घटेगी। जो हम यहां पे मटेरियल लिए हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आपका हीट ट्रांसफर होगा। मतलब पतला अगर आप मटेरियल लिए हैं तो वहां से कम हीट ट्रांसफर होगी, अगर ये वाला भाग आप मोटा लिए हैं तो वहां से ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसमें डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी कि डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एज। ए यहां पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, ये वाला भाग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल ए। अब याद रखेंगे ये पॉइंट। दूसरी चीज ये डिपेंड किसमें करेगा, दूसरी चीज ये डिपेंड किसमें करेगा उसको भी समझ लीजिए कि हमने बताया यहां कि इस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तेजी से ये हीट हमारा इधर ट्रांसफर होगा। मतलब कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस बॉडी के लिए आप हॉट मान सकते हैं, इस बॉडी के लिए कूल मान सकते हैं। तो जो बॉडी जितना ज्यादा हॉट होगा वो हॉट उतना ही ज्यादा तेजी से कूल बॉडी की ओर मूव करेगा। मतलब फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट आपका दूसरा फैक्टर जो मिलता है वो किस पे डिपेंड करता है, डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी एच माइनस टी सी पे। टी फोर आप हीट समझ सकते हैं, सी फोर कूल समझ सकते हैं। जो बॉडी जितना गर्म होगा वो ठंडा की ओर उतना ज्यादा से फ्लो कर सकता है। मतलब कि इसको बढ़ाएंगे तो आपका रेट ऑफ फ्लो भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। क्लियर। तीसरा जो फैक्टर हमको मिलता है इसी में, अगर हम इस मटेरियल का लंबाई को क्या कर दें, बढ़ा दें, लंबा कर दें, तब हमारा जो रेट ऑफ फ्लो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितना आप इसको लंबा रखेंगे उतना देरी से आपका हीट हमारा फ्लो होगा। मतलब ये हुआ इसका तीसरा फैक्टर कि डी क्यू बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एल। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ मटेरियल। जितना आप लंबा मटेरियल लेंगे उतना ज्यादा आपका फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट आपका घटेगा, यानी कि लेंथ बढ़ाने पर डी क्यू बाई डी टी घटने वाला है। ये तीन यहाँ पे मेजर हमको फैक्टर मिलती है जो हीट को वन
टर्मिनल से अनदर टर्मिनल पे फ्लो होने पे ये हेल्प करती है, यानी कि इसके आने से बढ़ती है और इसके आने से घटती है। ये तीन मेजर फैक्टर आप याद रखेंगे। मैथमेटिकली भी हम बात करें तो अगर हम इसकी इस तीनों फैक्टर को यहां पे कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग एबव फैक्टर्स, इस तीनों फैक्टर को हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो आप गौर कीजिएगा यहां भी DQ है, यहां भी DQ है, यहां भी क्या है आपका DQ है। तो इस टोटल DQ के लिए हम केवल एक DQ लिखते हैं, DQ by DP is directly proportional to the, आपको फर्स्ट में क्या दिखाई देता है A, दूसरा में क्या दिखाई दिया TH minus TC, एक बार फिर से बताना चाहेंगे H for hot, C for cool। अगर समझ में नहीं आता है तो यहां पे ना भूलें, इसके लिए आप लिख सकते हैं H for hot और C for cool, इसका प्रयोग कीजिए। जो बॉडी जितना गर्म होगा उतना ज्यादा हीट आपका कूल की ओर ट्रांसफर होगा, तो ये सीधा संबंध रखता है इससे। और एक हमको मिला इनवर्सल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ को बढ़ाने पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होती है, घटती है, मतलब क्या हो गया बाई एल में चलाएगा। तो यहां पे आप देखिए डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, हटाएंगे इक्वल टू लगेगा और साथ में लगेगा एक कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट हमने की माना। फिर आपको क्या मिला, ए मिला डी टी एच माइनस टी सी बाई एल मिल गया। देखिए इस तरह से आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का एक फॉर्मूला सामने आती है। बात समझ में आया होगा। यहां पे जो आपका के है, ये जो के, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये के किसके नाम से जाना जाता है, कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे ये के किसके नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे हमको एक नया वर्ड सुनाई दे रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसको कहेंगे, तो चलिए समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसको कहते हैं। उसको केवल अभी हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे यहां पे हमने देखा कि आपका क्या था, कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो ये कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम बोलेंगे किसको, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मान के चलिए कि आप एक क्यूब लेते हैं, ये आपका क्यूब है, ये इस तरह से आप इसको क्यूब बना दीजिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। इसका दो पॉइंट मान लीजिए, ये इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इधर का पॉइंट को बी मान लीजिए। इसकी लंबाई आपका 1 मीटर, ये चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई भी आप क्या मान लेंगे, इसको 1 मीटर मान लेंगे। क्लियर। इस बॉडी पॉइंट बी की समझने के लिए, केवल इस पॉइंट बी की टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस और पॉइंट ए का टेम्परेचर आपका 9 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और यहां पे टाइम मान लेंगे आप 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब नीचे से आप क्या देना शुरू करेंगे, Q, Q का मतलब हिट देना शुरू करेंगे, तो ये हिट 1 सेकेंड में 1
मीटर लंबाई पे एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अंतर आपका कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। एक बार फिर से समझाते हैं कि जब हम इसमें क्या देना शुरू किए, हीट देना शुरू किए, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस का अंतर, 1 डिग्री सेल्सियस अंतर। इसकी लंबाई चौड़ाई सब कितना, 1 मीटर। कितना में हीट वहां पे हमने सप्लाई किया, 1 सेकेंड में। तो वो कितना हीट को ट्रांसफर किया वही आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। अगर इस तरह से कहानी बनी तो आपको पता होना चाहिए कि dQ by dT इक्वल टू आप निकाल चुके हैं के ए TH माइनस TC बाई L। देखिए ये फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं। अगर इस फॉर्मूला में टोटली आप वैल्यू रख दें, ध्यान से समझिएगा, ये dQ को हम क्या मान ले, क्यू मान लेते हैं, dT आपका यानी कि टाइम, ये टेम्परेचर नहीं है, आप याद रखेंगे ये dT आपका टाइम है, टेम्परेचर नहीं है। तो टाइम आपके पास में कितना, 1 सेकेंड इक्वल टू के क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका कितना है सबका, 1। टेम्परेचर हॉट से कूल की टेम्परेचर 1 डिग्री, यानी कि सीधे दोनों को घटाएंगे तो हमको 1 डिग्री मिलेगा, आप 1 लिख सकते हैं। इसकी लंबाई 1 मीटर। तो इस केस में आपको क्या दिखाई दिया, सीधे आपको मिलता है क्यू इक्वल टू के, और इसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बात पकड़ में आई होगी, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर पूछा जाए कि टोटल हीट ट्रांसफर कितना हुआ, तो टोटल हीट ट्रांसफर कितना हुआ इसका क्या मतलब, तो टोटल हीट ट्रांसफर कितना हुआ, तो यहां पे जो आपको dT मिलता है, इस dT के को आप इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो आपको टोटल हीट ट्रांसफर निकल जाएगा। एक बार फिर से कि टोटल, देयरफॉर टोटल हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर dQ इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, के ए TH माइनस TC बाई L इंटू ये dT, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे क्या लिख देंगे dT, ये आपका टोटल हीट ट्रांसफर निकल जाएगी। कि जितना आप वहां पे जितना समय से हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं उस हीट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल हीट ट्रांसफर आपका निकल जाएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट, और इस तरह से हमको ये फॉर्मूला हाथ लगती है टोटल हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करने के लिए। ये बात भी आप समझ में आ गया होगा। और थोड़ी सी आगे हम इस कहानी को बढ़ाते हुए समझने का कोशिश करते हैं, अगर K का वैल्यू क्या हो, हाई हो, K का वैल्यू क्या हो, हाई हो, इफ K इज हाई, K का मतलब समझ में आता है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगर किसी मटेरियल पे K का वैल्यू क्या हो, हाई हो, तो उसको हम लोग गुड कंडक्टर के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, गुड कंडक्टर के नाम से जानेंगे, गुड कंडक्टर के नाम से जानेंगे। अगर के का वैल्यू क्या हो, कम हो, यानी कि लो हो, तब अगर के का वैल्यू लो हो तो इसको हम लोग जानेंगे
बैड कंडक्टर के नाम से। देखिए क्यों, क्योंकि जिसका के हाई रहेगा वो बहुत जल्दी हीट को अपने से ट्रांसफर कर पाएगा, और जिसका के लो होगा वो हीट को ज्यादा जल्दी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इसीलिए जिसका के हाई होता है उसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं, जिसका के लो होता है उसको हम लोग बैड कंडक्टर बोलते हैं। तो चलिए यहां पे देखते हैं कुछ मटेरियल्स, या आप समझने का कोशिश करते हैं कि किसका के मैक्सिमम होता है और किसका के मिनिमम होता है। मैक्सिमम होने पर वो क्या काम कर सकती है, मिनिमम होने पर वो क्या नहीं कर सकती है, ये सारी बातें को सीखने का कोशिश करते हैं। और डीपली समझते हैं इजी वे में कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अगर हाई हो तो क्या यूजेस है, लो है तो उसका काम क्या है, ये भी हम यहां पे डीपली जानेंगे। तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं कि मेटल का, किस मेटल का कंडक्टिविटी यानी कि के क्या होता है, किस नॉन मेटल का के क्या होता है, और गैसेस के भी क्या होती है, और इसका यूजेस क्या क्या है, उसको भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेके चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये देखिए मेटल की बात करें तो मेटल में जो मटेरियल हमने लिया वो आपका फर्स्ट है सिल्वर, जिसका के 406, दूसरा पोजीशन पे आता है कॉपर, जिसका के का वैल्यू 385, तीसरा पोजीशन पे आता है एल्युमिनियम, जिसका के का वैल्यू 205, फोर पोजीशन पे आती है ब्रास, जिसका वैल्यू है 109, फाइव पोजीशन पे आती है स्टील 50.2, और सिक्स पोजीशन पे आता है मरकरी यानी कि पारा, जिसका के वैल्यू है 8.3। चलिए अब समझने वाली बात कि आप जब खाना बनाने के लिए कोई बर्तन खरीदते हैं या हीट को ट्रांसफर करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, हम खाना बनाने को ही लेके चलते हैं, ज्यादातर घरों में देखे होंगे जितना भी आपका खाना बनाने वाला बर्तन है, चाहे वो प्रेशर कुकर की हम बात क्यों ना करें, ये टोटल आपका एल्युमिनियम का बना होता है। क्यों एल्युमिनियम का बना होता है, क्योंकि एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी यानी कि हीट को ट्रांसफर करने का वैल्यू क्या है, 205 है। दूसरी चीज समझ लीजिए, हम चाहे तो उससे बेटर हीट को ट्रांसफर करने के लिए कॉपर का यूज कर सकते थे, लेकिन कॉपर का बेसिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं, और बेटर हीट को ट्रांसफर जल्दी खाना बन जाए उसके लिए हम लोग चाहे तो सिल्वर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम चांदी कह सकते हैं, लेकिन चांदी क्या है कि महंगी होने की वजह से वो बड़ी बड़ी बर्तन हम उतना बड़ा बर्तन नहीं जुगाड़ कर सकते, कर भी सकते हैं लेकिन क्या है ये महंगी होती है, जिससे हम सिल्वर का यूजेस नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग किसका यूजेस करते हैं, एल्युमिनियम का यूजेस करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो कंडक्टिविटी है यानी कि हीट को ट्रांसफर करने का जो कैपेसिटी है वो क्या है, 205 है। इसीलिए ज्यादातर जितनी भी कुकिंग मटेरियल होता है आपका वो एल्युमिनियम का बना होता है, चाहे तो वहां पे दूसरा चीज का भी बना होता है होता, लेकिन बेसिकली क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है। इसके पीछे का कारण ये होता है, और इसको हम समझेंगे कि आजकल स्टील की बर्तन आने लगी है एकदम चमकदार, ना किसी प्रकार का वहां वे दाग धब्बा, एक बार पानी लगाइए और चकाचक ये स्टील, ये देखिए ये स्टील, लेकिन यहां पे एक कमी रह गई कि इसका जो कंडक्टिविटी है वो है आपका केवल 50.2। समझिएगा इस पॉइंट को बारीकी से, अब जब ये स्टील को आप खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, यूजेस करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज में लाते हैं, किसको, स्टील को। जैसे ही स्टील को खाना बनाने के लिए लाते हैं, इसमें
आप क्या डालते हैं, चावल डाल देते हैं सबको, क्योंकि बनाना है तो है ना। अब नीचे से क्या देना है हमको, हीट देना है, इस तरह से हम हीट प्रोवाइड करेंगे तभी तो हमारा खाना बनेगा क्या। इस तरह से हम हीट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि जो इसकी नजदीक की मॉलिक्यूल्स है उसको तो हीट मिलेगा, लेकिन जो दूर 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 में मॉलिक्यूल्स है उसको हीट ट्रांसफर करने में क्या लगेगी, स्टील को थोड़ा सा समय लग जाएगा। क्यों क्यों समय लगेगा, क्योंकि स्टील का कंडक्टिविटी यानी कि के आपका क्या है, बहुत ही कम है, वो अपने से ज्यादा जल्दी दूसरे जगह पे हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। तो क्या होगा इस केस पे, इस केस पे ये होगा कि जहां पे आपका ज्यादा हीट पड़ रहा है वहां का केवल खाना क्या हो जाएगा, पक जाएगा जल्दी, और दूर का खाना मतलब आपका इस आसपास का खाना नहीं पकेगा। याद रखेंगे, अब जब तक इस खाना को आप पकने के लिए छोड़ेंगे उतना टाइम पे इस आसपास का खाना क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और जला हुआ खाना हम खा नहीं सकते। इसीलिए खाना बनाने में स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये थी इसकी फिजिक्स का लॉजिक, आप याद रखेंगे ये पॉइंट, क्योंकि नजदीक में क्या होता है, ज्यादा हीट मिलता है, जबकि दूर में उसको कम हीट मिलता है। कारण क्योंकि इसका कंडक्टिविटी यानी कि के वैल्यू क्या है, कम है, वो हीट को जल्दी ट्रांसफर करती ही नहीं है। कौन, स्टील। ये देखिए यहाँ पे 50.2 है, जबकि इसकी कंपेयर में अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में जो आपका कंडक्टिविटी है यानी कि हीट को जो ट्रांसफर करने का कैपेसिटी है वो इससे आपका करीबन 4 गुना मान के चलिए 4 गुना ज्यादा है। और हमारा जब एल्यूमिनियम हम खाना बनाते हैं तो सब खाना एक बार में पक जाता है, एक ही टाइम में पक जाता है, वहां पे जलने की शिकायत नहीं होती। इसीलिए स्टील का यूज हम खाना बनाने पे नहीं करते हैं, इसका ये सबसे डिमेरिट पॉइंट है, याद रखेंगे आप। कारण पता चला होगा क्यों, क्योंकि ये स्टील है आपका और स्टील का के का वैल्यू केवल आपका 50.2 होता है, जो हीट को अपने से जल्दी ट्रांसफर करती नहीं है, नजदीक का जल्दी पक जाता है जबकि दूर का खाना जल्दी नहीं पकता है। अगर दूर का खाना को पकने का टाइम देंगे तो ये वाला इस जगह का खाना आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए स्टील का यूजेस खाना बनाने पे नहीं किया जाता है। तो हम लोग करते क्या है, आप गौर कीजिएगा, कभी आप दुकान पे जाएंगे तो आप देखिएगा जो स्टील की बर्तन है, स्टील के बर्तन है उसका यहां से यहां तक आपका कॉपर का लेप चढ़ा होता है। ध्यान से देखिएगा, किसका लेप चढ़ा होता है, कॉपर का, ये आपका कॉपर का लेप है और ऊपर का भाग क्या रहता है, आपका स्टील है। इसके पीछे की फिजिक्स को समझिए कि फिर इस प्रकार का जब हम स्टील के बर्तन में खाना बनाना शुरू किए तो समझिए इसमें आपका क्या लगा हुआ है, कोपर लगा हुआ है। तो कोपर का कंडक्टिविटी को आप देखिए 385, जब आप यहां से क्या दिए, हीट दिए इस तरह से, तो ये कोपर हीट को सभी जगह तुरंत क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, इक्वली ट्रांसफर कर देगा, और इक्वली ट्रांसफर होने से ये हीट किधर जाएगी, आपका स्टील की ओर जाएगी, बराबर ही सब जगह से। और इस प्रकार का स्टील की जो बर्तन होगी उसमें खाना एक साथ पक जाएगा। इसीलिए जो आजकल स्टील की बर्तन आती है, आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, तो देखिएगा उसमें आपका कॉपर की लेप चढ़ी होती है। यह रहती है इसकी पीछे की फिजिक्स, अब याद रखेंगे, कारण पता चला होगा क्यों, क्योंकि CU यानी कॉपर का के आपका है 385, जबकि स्टील का के वैल्यू होता है केवल 50.2। तो ये इसका जो बॉटम है उसमें तुरंत हीट को इक्वली क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, और जब इक्वली हीट ट्रांसफर हुआ तो वो स्टील की ओर बराबर में क्या ट्रांसफर होंगे और आपका खाना एक साथ पक जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये यूजेस होती है यहाँ पे कंडक्टिविटी की। चलिए, आपने मटेरियल के बारे में तो समझा, मेटल के बारे में समझा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में।
नॉन मेटल में क्या होता है, जब हम घर बनाते हैं तो उसमें ब्रिक्स का यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा ये देखिए, ईंट का यूज करते हैं। ईंट का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ईंट का आपका कंडक्टिविटी 0.15 है, 0.15 है, यानी कि ना के बराबर है। तो क्या करेगा ये, बाहर का जो हीट है उसको रूम के अंदर पे जल्दी आने देगा नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी आपका क्या है, 0.15 है। ये हीट को ट्रांसफर करती नहीं है, मतलब ये बैड कंडक्टर है। इसीलिए हम लोग जब घर बनाते हैं तो उसके जगह पे ईंट का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात रही, अब ये गौर भी किए होंगे, जो हम लोग का छतें होती है वो किसका बना होता है, कंक्रीट का बना होता है, और कंक्रीट का कंडक्टिविटी देखिए 0.8 है। अगर थोड़ा सा ज्यादा वहां पे क्या लग जाए, धधकती गर्मी लग जाए, सुबह शाम तो ठीक है, लेकिन दोपहर का अगर धूप पड़े वहां पे छत पे तो बहुत ज्यादा हमको क्या लगने लगती है, गर्म लगने लगती है, कमरा को क्या करता है, गर्म कर देता है। क्यों गर्म करता है, क्योंकि ब्रिक से कंक्रीट का कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, इसका 0.8 है, जबकि ब्रिक्स का क्या है, 0.15 है, यानी कि कंक्रीट की अपेक्षा में ब्रिक्स का कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे वहां पे लोगों ने मिट्टी का दीवार बना के रखा है, वहां पे और ज्यादा ठंडा लगती है, क्योंकि वो मिट्टी है, तो उस मिट्टी का कंडक्टिविटी यानी कि के वैल्यू और कम होगा, उससे आपका हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो बाहर का जो हीट है, कितनों भी धूप रहे, जब ट्रांसफर नहीं होगा तो अंदर कैसे घुसेगा। इसीलिए जो कच्चे मकान होते हैं, मिट्टी के जो बने होते हैं, उस मकान पे ज्यादा ठंडा लगती है हमको। क्या बात समझ में आ रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को, क्लियर। तो इसीलिए घर बनाने के लिए हम लोग ब्रिक्स का यूज करते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी हम बात करें गैसेस के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी होती है उसका कंडक्टिविटी सबसे कम एयर का होता है, ध्यान से देखिएगा, 0.024 होता है सबसे कम। मतलब ये अपने से हीट को ट्रांसफर करता ही नहीं, जीरो के बराबर मान के चलिए। इसीलिए तो जब हम जाड़े के दिनों में क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो हमको ठंडा नहीं लगती है। अब इसके पीछे का फिजिक्स को समझिए कि जब हम स्वेटर पहनते हैं तो आप देखे होंगे स्वेटर में क्या होती है, थोड़ी थोड़ी सी बर्ड्स होती है, यानी कि खाली जगह होती है, उस खाली जगह पे हवा जाके क्या होती है, फंस जाती है, ट्रैप होती है ना, जाल जैसा, उस ट्रैप में जाके हवा क्या होती है, ट्रैपिंग हो जाता है, फंस जाता है। अब पूरा बॉडी पे क्या हो गया आपका, हवा का एक लेयर चढ़ गया। अब हवा का लेयर चढ़ा तो अपने आप में आपका बॉडी में क्या है, टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर जब आपका बॉडी से निकल रहा है तो उस टेम्परेचर को ये एयर बाहर जाने नहीं दे रहा है, रोक के रख रहा है इसलिए, और बाहर का जो ठंडा है उसको अंदर जाने नहीं दे रहा है, इसलिए ठंडे के दिनों में भी आपको क्या लगती है, गर्मी महसूस होती है। बात पकड़ में आया होगा। इसीलिए जाड़े के दिनों में क्या किया जाता है, स्वेटर पहना जाता है। यहां पे मोटा पतला का यहां पे बात नहीं है, वहां पे क्या होती है, ट्रैप होती है, थोड़ी खाली जगह होती है, वहां पे जाकर ऑक्सीजन क्या होता है, फंस जाता है, और पूरा बॉडी मतलब स्वेटर जैसा क्या बन जाता है, एक लेयर चढ़ जाती है हवा का। अब हवा का लेयर चढ़ा तो अंदर का गर्मी को बाहर जाने नहीं देगा और बाहर का सर्दी को अंदर जाने नहीं देगा, इस तरह से आपको क्या होती है, ठंड नहीं लगती है। तो ये देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज कितनी उपयोगी की होती है, कंडक्टिविटी यानी कि वैल्यू ऑफ के, और इसको हम लोग जानते हैं इसलिए इसका बखूबी फायदा उठा लेते हैं। क्लियर, बात समझ पाई होगी। अब ध्यान देंगे ये क्वेश्चन यहां से भी उठती है कि सबसे ज्यादा हीट किसमें ट्रांसफर होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में सबसे जल्दी हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ये देखिए 406 इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हो गया। चलिए ये बातें समझ में आया होगा तो हम लोग
फिर से एक इसी में अगला टॉपिक की बात करेंगे थर्मल रेसिस्टेंस की। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो उस जिस डायरेक्शन पे करंट सप्लाई हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे लगने वाला जो फोर्स होती है वो करंट का रेसिस्टेंस कहलाता है। तो क्या इस हीट यानी कि थर्मल में भी कोई रेसिस्टेंस होती है? अगर होती है तो किस प्रकार का होती है, ये सारी बातें को हम लोग जानेंगे और अगला टॉपिक हम लेंगे थर्मल रेसिस्टेंस के बारे में। थर्मल रेसिस्टेंस को जानने से पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे इसका यूनिट के बारे में, के का यूनिट, SI यूनिट ऑफ के। यहां पे के क्या था आपका? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी अराइज होती है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम के से रिप्रेजेंट किए हिंदी लिखे। तो आप एक चीज सीख चुके हैं, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए टी एच माइनस टी सी बाई एल। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, यहां से के को बाहर निकाल दीजिए। अगर हम के को बाहर निकालते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगा हमको, ध्यान से देखिएगा। एल इंटू डी क्यू बाई ए इंटू डी टी इंटू टी एच माइनस टी सी, ये वैल्यू मिल गया सामने अगर आप के को बाहर निकाल दे तो। अब इस के का यूनिट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये एल है, एल का मतलब तो ये क्या हो गया, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर इंटू डी क्यू, डी क्यू का मतलब हुआ यहां पे हीट, हीट का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट क्या हुआ जूल बाई, ये आपका क्या था एरिया, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि इसका यूनिट की बात करें हम तो मीटर स्क्वायर इंटू ये डी टी आपका क्या था टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड इंटू ये क्या था आपका टेम्परेचर, हॉट से कूल को का बीच का टेम्परेचर, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होती है केल्विन। ये मीटर से एक मीटर क्या हो गया कैंसल, तब आपको क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा, जूल ऊपर लेके जाएंगे, पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन, ये देखिए ये इसका यूनिट बन गया, यानी कि कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। इसकी थोड़ी सी हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की, डायमेंशनल फॉर्मूला के का ध्यान से समझिए, इसी फॉर्मूला में पुट करके चलते हैं। ये आपका क्या लेंथ, इसके लिए हम डालेंगे एल इंटू क्या है ये डी क्यू, यानी कि हीट एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है बाय, देखिए ये क्या एरिया, एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ एल स्क्वायर, डी टी टाइम है टाइम के लिए टी, और ये क्या है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन के डाल देते हैं। ये एल से ये एक एल क्या हो गया कैंसल हो गया, तब आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना ध्यान से समझिएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, नीचे भी क्या है टी, ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, मतलब टी माइनस थ्री के ऊपर लेके जाएंगे के माइनस वन, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री के माइनस वन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के।
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे थर्मल रेसिस्टेंस के बारे में। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट में आप जानते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट होता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू ओम्स का नियम में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को हीट के साथ में क्या कर दें, कंपेयर कर दें, ये क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, अंतर, पोटेंशियल का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरह से हमारे पास में क्या होना चाहिए, हीट का डिफरेंस होना चाहिए। भी एक बार फिर से ये आपका ओम्स के नियम के अनुसार आर इक्वल टू भी बाय यही होता है। भी का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर लिख भी देते हैं, भी का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस की जगह में क्या चाहिए, हीट डिफरेंस चाहिए। और आपके पास में हीट डिफरेंस क्या था, टी एच माइनस टी सी, ये क्या था, हीट डिफरेंस था, हीट डिफरेंस था। अब नीचे क्या है आपका आई, आई का मतलब करंट, तो करंट आप जानते हैं आई की जगह में आप क्या लिखने वाले हैं, डी क्यू बाई डी टी लिखने वाले हैं, ये भी आप जानते हैं। तब क्या होगा इस केस में, भी के स्थान में हम क्या लिखने वाले हैं, टी एच माइनस टी सी बाई आई की जगह में क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। ये देखिए इसका रेसिस्टेंस ये मिल सामने आता है हमारा, और अब हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि आर इक्वल टू टी एच माइनस टी सी बाई डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। इसीलिए इस ऊपर वाला जो वैल्यू मिला इसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला को करंट के नाम से जाना जाएगा। याद रखेंगे आप, ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या हुआ कि आपका जो हीट लो से किधर बढ़ रहा है, मतलब हाई से किधर बढ़ रहा है, लो की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग, ड्राइविंग फोर्स कहेंगे। और क्यू डी क्यू बाई डी टी क्या है, करेंट। क्लियर। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करना चाहें, समझिएगा पॉइंट को, और आर इक्वल टू ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, टी एच माइनस टी सी ये ज्यों का त्यों रहेगा, आप क्या है आपके पास में डी क्यू बाई डी टी, तो आप जानते होंगे देयरफॉर डी क्यू By dt इज इक्वल टू क्या था आपके पास में, k a टी एच माइनस टी सी बाई एल, ये वैल्यू आप निकाल पड़ चुके हैं। तो क्या डी क्यू बाई डी टी के स्थान पे ये लिख सकते हैं, k a टी एच माइनस टी सी बाई एल। ध्यान से समझिएगा, ये यहां से यहां ये क्या हो गया, कैंसर, ये थर्ड टर्म है तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, एल बाई के ए मिलने वाला है। ये देखिए ये आपका रेसिस्टेंस है, याद रखिएगा ये पॉइंट, रेसिस्टेंस ऑफ थर्मल, थर्मल रेसिस्टेंस आर इक्वल टू के ए, थर्मल रेसिस्टेंस को आप यहां पे आर समझेंगे, ये वैल्यू मिलती है एल बाई के ए। L क्या है आपका, लेंथ ऑफ मटेरियल, ये आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। R का मतलब आपको समझ में आता है थर्मल रेसिस्टेंस, इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाती है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ी सी और दो छोटी छोटी हम बात कर लेंगे कि क्या हम दो मटेरियल को एक साथ जोड़ते हैं, जोड़ेंगे सीरीज में जोड़ेंगे, तो उसका के घटने वाली है या
बढ़ने वाली है। क्या हम उसको पैरेलल पे लगा दें तो उसका के घटने वाली है या बढ़ने वाली है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, ये समझिएगा। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हम दो इस तरह से मटेरियल लेंगे, ये आपका पहला मटेरियल हो गया, दूसरा मटेरियल को यहां से जोड़ देंगे, दोनों का लेंथ आपका इक्वल इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा। अब क्या हुआ कि पहला मटेरियल का कंडक्टिविटी को हम K1 मान लेते हैं, दूसरा का कंडक्टिविटी को K2 मान लेते हैं। समझने के लिए यहां पे इस पॉइंट को क्या कर देते हैं हम A, और इस पॉइंट को क्या कर देते हैं B कर देते हैं। अब जब हम A को A में क्या करते हैं हीट देते हैं, तो ये कितना हीट को B तक पहुंचाएगा, दोनों का लेंथ क्या है सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, यानी कि लेंथ और A दोनों का क्या है सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो इसको याद रखने के लिए जो आप रेसिस्टेंस पढ़े थे उस रेसिस्टेंस का उल्टा कर दीजिए, जो उसमें पैरेलल था इस थर्मल की कंडीशन पे सीरीज में पैरेलल हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि के इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, के वन के टू, के इक्वल टू आपको मिलने वाला है के वन के टू बाय के वन प्लस के टू, ये वैल्यू मिलने वाला है। अब ये वैल्यू क्यों मिला, क्योंकि हमने इसको पैरेलल में किया, पैरेलल में किया तो किस तरह से किया देखिएगा, 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ये दोनों का 1/k दोनों का एलसीएम निकालेंगे क्या होगा k1 k2, इसको भाग देंगे हम, हमारे पास में k2 बचेगा, इससे हम इसको भाग देंगे k1 बचेगा, ये 1/k का वैल्यू मिला, तो k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी कि k1 k2 बाई प्लस में है, तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। इस तरह से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर का वैल्यू निकलता है, याद रखेंगे आप, जस्ट रेसिस्टेंस का उल्टा, आपको पता भी होगा रेसिस्टेंस का उल्टा ही होता है हमारा कंडक्टर। दूसरी समझ लीजिए कि अगर हम पैरेलल में ले लें, पैरेलल के पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ले लें तो क्या होने वाली है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ले मतलब ये आपका एक और ये आपका एक, तो इस कंडीशन पे क्या कहानी बनेगी, इसका कंडक्टिविटी को K1 मान लीजिए, इसका कंडक्टिविटी को K2 मान लीजिए, लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या है सेम है, तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में K का वैल्यू मिलने वाला है केवल K1 प्लस K2, मतलब रेसिस्टेंस का सीरीज इसका पैरेलल होता है, कंडक्टर का पैरेलल होता है। तो आज हम बाकी जो दो मेथड हमने वहां पे लिख के रखा था, कन्वेक्शन और रेडिएशन, आज की क्लास में पॉसिबल नहीं हो पा रही है, आज केवल हम कंडक्शन को देखे और बेटर ढंग से समझने का कोशिश भी किए हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है, अच्छी है, तो आप लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए फिजिक्स की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल जो हमारा दो बाकी मेथड्स बची हुई है उसको हम फिर से आपके लिए अच्छी तरीका से समझने के लिए बेटर ढंग से क्लास को स्टार्ट करेंगे।